वीर, वीर, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मेरा अधूरा काम छोड़ो मुझे। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती देवा महानदी गोदा ब्रह्मसुमा वे पवित्र नद्याः जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु दम पवित्र जलम रेखा ग्राम रक्षको भव। मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने इस गांव की सीमा को अभिमंत्रित कर दिया है, अब वो दायनीय और काली शक्तियां इस गांव की सीमा में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ये क्या खेल खेल रही हो? कैसा खेल? वीर जिंदा है। वीर मर चुका है। तुमने अपने हाथों से रघुपति के बेटे को जहर दिया है। अपनी आंखों के सामने तुमने उसका अंतिम संस्कार देखा है। वीर मर चुका है। झूठ बोल रही हो तुम। वीर के मौत के बाद भी वो हमें जिंदा नजर आता है। यहाँ तक कि उस पागल कल्लन ने भी वीर को देखा जिंदा यही इसी जगह। देखो सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने गंदे खेल में हमें अपना मोहरा बना रही हो। अपनी आँख कान और मुंह को बंद रखो वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक एक महीने बाद तुम्हारी कोख में तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। हमें हमारे सवालों का जवाब दो। वीर की आत्मा मेरे वश में नहीं है। तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, ये मेरा बहन, तुम नहीं हो, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं मिलना।
चुकी हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मारा है। तुम जिंदा नहीं हो अभी। उस डायन के दिए हुए चोट के से मैंने तुम्हें मारा था। तुम मर चुकी हो। हाँ, तुम मर चुकी हो। तुम जिंदा नहीं हो। रुको! तुम हमारे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी भी माँ बाप के लिए वीर को वापस पाकर रघुपति और सुगना को ऐसे लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। इस हादसे के बाद उन्होंने हमेशा वीर को अपने सीने से लगा कर रखा। उन्होंने वीर पर किसी भी तरह की दुख तकलीफ का साया तक नहीं पड़ने दिया। एक माँ के साहस और उसके दृढ़ निश्चय ने उसके बेटे की जान तो बचा ली, लेकिन डायन के तंत्र मंत्र का असर वो भी अपने बेटे पर होने से नहीं रोक सकी। और इसका अंजाम ये हुआ कि वीर को अपनी एक टांग खोनी पड़ी। ये कहानी किसी और की नहीं है बल्कि मेरी ही है। मैं ही हूं वो वीर। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।